वेलकम बैक टू एमबीबी बोले तो मिस बटरस्कॉच व्लॉग्स। तो अभी मेरे एग्जाम्स एंड हुए हैं, तो मैंने सोचा एग्जाम्स की बात की चलाओ दिखानी चाहिए कि मैं किस तरीके से एंजॉय करती हूँ। एक्चुअली पता है होता क्या है, मैं हमेशा मतलब सोचती हूँ जनरली आप लोगों के साथ भी होता होगा, एग्जाम्स चल रहे हैं इसके बाद ये करेंगे, एग्जाम्स एंड होते थे ये करना है, अरे ये तो करना ही है। एंड होता क्या है, एग्जाम्स एंड हो जाते हैं उसके बाद कुछ सोच में नहीं आता है कि करना क्या था, क्या सोचा था, और कुछ याद रहता है ना तो आधे से ज्यादा तो आलस में निकल जाता है। तो अब देखते हैं आज क्या करते हैं, और आज मुझे बहुत थोड़ा काम वाम भी है तो मतलब मान गई हो में, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलते हैं ब्लॉग की साइड। गाइस मैंने ना जस्ट अभी भी चेक किया कि मैंने मम्मी ने बोला था, वो अभी थोड़ी देर से रूम में आ रही है कुछ काम से, तो मैंने देखा रूम बहुत गंदा हो रहा है, अगर उन्हें पता चला ना कि रूम इतना गंदा हो रहा है तो बहुत डांट पड़ने वाली है, तो पहले एसी को साफ करना पड़ेगा उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। अभी रूम का हाल कुछ ऐसा हो रहा है, अब मुझे ये सब सही करना पड़ेगा मम्मी के आने से पहले, तो करते हैं साफ सफाई अब। सो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग को मार्केट में कुछ काम है, तो रूम सही करने के बाद मैं फिर मार्केट गई थी। तो गाइस अभी हम लोग का बैंक का काम हो चुका है जो मेन काम था, और अब हम लोग शॉपिंग करेंगे, तो चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कुछ स्नैक्स एंड ग्रोसरी आइटम्स खरीद लिए थे, एंड उसके बाद तो थोड़ा बहुत घूमा ही था। अब मार्केट आएंगे तो सिर्फ काम के लिए ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, थोड़ा बहुत तो घूम ही सकते हैं एक्स्ट्रा। गाइस अभी ही इतनी गर्मी हो रही है, मैं तो सोच रही हूँ मार्च में ये हाल है तो जून जुलाई में क्या हाल होगा। गाइस प्लान तो था हम लोगों का कि बस काम करेंगे, काम से जो बैंक में काम था वो करेंगे और फिर थोड़ा बहुत घूम लेंगे, बट इतनी सारी शॉपिंग हो चुकी, इतनी सारी सब सामान भरा हुआ है, इतना सारा सामान हो चुका है, ये मम्मी काम कर रही है धीरे धीरे से सामान साइड साइड से हटा रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। पेपर पोहा है, ये ना इनका नमकीन बनता है, वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, आप लोगों ने भी खाया होगा, तो ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना नमकीन वगैरह भी एक्स्ट्रा मिले जाने को। एंड ये है थोड़े बहुत स्नैक्स, थोड़े नहीं है, ये मैं अपने लिए सूप लेके आई हूँ, ये बिस्किट्स लेके आई हूँ, ये बिस्किट्स एंड ये सूप। मेरे को सूप बहुत पसंद है, इंस्टेंट सूप, तो मैं हमेशा जाती हूँ तो लेके जरूर आती हूँ। तो ये स्टार्ट हो गई है कॉलेज की शॉपिंग, तो मैं लेके आई हूँ अपने लिए कॉलेज बैग, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल यूनिक डिजाइन है एंड मैच भी नहीं होगा किसी और से, ये मिक्स ना हो जाए। एंड ये है मेरी बॉटल, एंड ये है मेरा लंच, मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा, ये इतने सारे स्टिकर्स वगैरह हैं इसमें, और ये है मैं सोनू के लिए लेके आई, आई मीन नमिता के लिए लेके आई हूँ मैं ये, उसको बहुत पसंद था, उसको बहुत मन था ये लेने का, तो मैं सोचा उसको गिफ्ट कर देते हैं, ये कोई अच्छा मस्त मिल गया, तो ये उसके लिए है। ये इसकी स्ट्रॉ, ये मैं अपने लिए क्लेचर लेके आई हूँ, मेरा क्लेचर टूट गया था, और ये काजल, ये मम्मी अपने लिए हैंड बैग लेके आई है, पैर पूजा क्योंकि इतना सारा सामान लाने में बहुत थक गए हैं, पैर भी बहुत दर्द हो रहे हैं।
तो अभी ये खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं, फिर चलते हैं छत पे। तो गाइस अभी मैं आई हुई हूँ टेरेस पे एंड थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया है क्योंकि मार्केट से आने के बाद बहुत थक गए थे, तो थोड़ा रेस्ट किया है एंड उसके बाद ही मैं आई हूँ टेरेस पे। तो अब देखते हैं टेरेस पे क्या क्या हो रहा है। वैसे तो कुछ होता नहीं है, सब बॉयज वगैरह ही आते हैं, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। चलो घूमते हैं। मैंने कभी ये वाले टमाटर खाए हैं? वैसे इनको टमाटर तो नहीं बोलते हैं बट इनका टेस्ट थोड़ा बहुत टमाटर जैसे ही होता है। ये असली वाला ही टमाटर है, ये वो वाला टमाटर नहीं है, थोड़ा छोटा सा है अभी लग रहा है। ये वो व्हाइट फ्लावर्स का पेड़ है जो शिव जी को चढ़ाते हैं जो फ्लावर्स, एंड ये वो कांटे वाला जो होता है। ये सारा गार्डनिंग वगैरह का काम पापा ही देखते हैं तो मुझे इतना ज्यादा पता भी नहीं है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे मिस बटरस्कॉच चैनल पे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।